जोहार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बंधन पाठशाला में। मैं मनोरंजन महतो आज मैं लेके आ रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2023 का बोर्ड एग्जाम है उसके लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर सोशल साइंस में। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये किसके लिए, ये जो क्वेश्चन है पहले भी ऑलरेडी आ चुका है। ये क्वेश्चन 2009 में और 2020 मतलब क्या 2020 में और 2009 में ये आ चुका है। इसलिए ये मुझे लग रहा है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा, आप इसको पढ़ना है। मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को, इस जो लेक्चर है इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इनकी जानकारी मिल सके, वो भी पढ़ सके, वो भी अच्छा मार्क्स ले पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, नाउ देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, इस पर चर्चा करना है। तो सबसे पहले आप बताइए कि सबसे पहले जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था कब हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच हुआ था। कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918 के बीच ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ये जो है ना कि आपके लिए इंपॉर्टेंट मान सकता है, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए। कहेगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच हुआ था। ओके, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस समय मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दो गुटों में बढ़ चुका था, है ना। तो एक तरफ अमेरिका अलग था उसमें से, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में अलग अलग था। जब विश्व युद्ध हुआ तो अमेरिका जो था, अमेरिका और इंग्लैंड, तो इंग्लैंड का अलग पार्टी था और अमेरिका अलग था। उसमें क्या होता है कि इंग्लैंड जो था उस युद्ध में संलग्न हो, मतलब कि उसमें विजयी हो गया। जब विश्व युद्ध चला कितना साल चला, 1914 से लेकर 1918 के बीच कितना साल हो गया, 4 साल का टाइम पीरियड। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। इस टाइम पीरियड में जो इंग्लैंड था अपना युद्ध में विजय था, जब युद्ध में विजय था तो उसमें क्या हो गया, जो इंग्लैंड, यहाँ पर भारत में होता है क्या कि भारत का जो कुटीर उद्योग था, जहाँ का जो उद्योग था भारत में, वो फलने फूलने लगा था। उसको कितना, 4 साल का समय मिल चुका था फलने फूलने के लिए। ये काफ़ी समय होता है 4 साल वहाँ उसके लिए, जो इंडियन का जो कुटीर उद्योग था उसको फलने फूलने के लिए काफ़ी समय मिल चुका था। अब देखिए क्या क्या उसको मिला और क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस में बढ़ा उसके बारे में आज जानिए। ओके, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि प्रथम कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, इसके अनेक कारण दिए जा सकते हैं। इनमें से कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। ओके, वो कौन कौन से हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या, देखिए प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका सारा ध्यान अपने बचाव में लग गया। अब वह भारत में अपने माल का निर्यात न कर सका, जिसके कारण भारत के उद्योग को पनपने का सुअवसर प्राप्त हो चुका था। बताया ना कि जब विश्व युद्ध हुआ तो ब्रिटेन जो था, जो सारा ध्यान कहाँ चले गया, अपने युद्ध में लड़ने में सारा ध्यान उसमें था कि अपने को कैसे बचाना है, इस पर पूरा फोकस उस पर युद्ध पे था। उस कंडीशन में क्या होता है, भारत को क्या, जितना भी कुटीर उद्योग था उसको मौका मिल जाता है, इसलिए पनपने के लिए कि एक नया अपना जो उद्योग था उसको पनपने का मौका मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट था ये, सेकंड बोल रहा है क्या, ये देखिए बोल रहा है इंग्लैंड, क्या बोल रहा है, इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात की विभिन्न चीज़ें बनाने के बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गए। उसने क्या किया कि जब युद्ध हो रहा है तो उसमें क्या रहा है, जो उसको सैनिक को जो सामग्री चाहिए उस सामग्री को बनाने में लग गया। इसलिए भारत उद्योगों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया। क्या क्या, जब सारा ध्यान, ब्रिटेन का सारा ध्यान कहाँ चले गया था कि सैनिक के लिए कैसे उसको सामग्री बनाना है, सैनिक को कैसे पहुँचाना है, क्या क्या पहुँचाना है, तो उस पूरा फोकस उसका सैनिक में था, युद्ध में था। इस वजह से क्या हो गया, भारत को, भारत का उद्योग था उसको रातों रात क्या मिल गया, एक बाजार मिल गया अपने अपने के लिए। इस बाजार का सदस्य क्या करा, जो छोटा छोटा कुटीर उद्योग था, जितना भी उद्योग था भारत में, वो दिनों दिन बढ़ते चले गया। ये सेकेंड पॉइंट था। ओके, थर्ड पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट बोल रहा है क्या, एक विशाल देशी बाजार मिलने के अतिरिक्त भारतीय उद्योगों को जब सरकार द्वारा भी अनेक चीज़ें जैसे फौज के लिए वर्दी बूट आदि बनाने, टेंट आदि बनाने, घोड़ों के लिए अनेक प्रकार का सामान बनाने आदि के ऑर्डर मिल गए, इसमें नई जान आ गई। देखिए जब युद्ध हो रहा था क्या चाहिए, उसमें लड़ने के लिए फौजी लड़ने के लिए वर्दी चाहिए, बूट चाहिए, है ना, फिर टेंट चाहिए, टेंट बनाने का कपड़ा चाहिए, घोड़ों के लिए अनेक प्रकार का सामान चाहिए, उसका ऑर्डर मिलने लगा। तो किसको मिला था वो ऑर्डर, वो मिला था भारत का जो कल कारखाना था उसे मिला था। और जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहा था तो उसका डिमांड भी, उस सामान का डिमांड बढ़ रहा था, तो इसकी वजह से क्या होता है, भारत का उद्योग प्रगति पर और प्रगति पे प्रगति करता चले गया। ओके, ये था थर्ड पॉइंट।
फोर पॉइंट क्या बोल रहा है देखिए, यहाँ पर फोर पॉइंट बोल रहा है क्या, पुराने कारखानों के साथ साथ उसमें बहुत से नए कारखाने खुल गए, जिससे उद्योगपति को ही नहीं वरन मजदूर और कारीगर को भी चांदी हो गई, उसका वेतन बढ़ गए, जिससे उसका काया पलट गई। बोलता है क्या, जब पुराना उद्योग जो पुराना कारखाना था सिर्फ उसको ही लाभ नहीं हुआ, जब डिमांड जब बढ़ा तो नया जो उद्योग जो कारखाना था वो भी नया नया खुलने लगे डिमांड की वजह से। जिसका डिमांड होता है तो क्या होता है, एक नया उद्योग पर पनपने लगा, उसमें जो छोटा पुराना का साथ साथ जो नया उद्योग जो खुला उसका भी का जो माल का जो था ना डिमांड उसको पूरा करने में लग गया। इससे क्या हो गया, जो पुराना उद्योग था और जो नया उद्योग था दोनों के लिए ये चांदी हो गया, मतलब कि जो कारखाना क्या हो गया उसके लिए एकदम सोना भी सुहागा बोल गया, उस टाइप से उसके पास आ चुका था, मौका मिल चुका था पनपने के लिए, और जो उसका वेतन या कर्म जो वहाँ का जो वर्कर था वर्कर को भी अपना वेतन बढ़ाने का एक अच्छा चांस मिल गया था, मौका मिल गया था। अब वो अपने काम करके अपना अपना गुजर बसर कर सकता था, प्लस अपना कमाई के साथ साथ अपने घर का भी जो स्थिति खराब हो चुका था उस कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करने का एक बहुत अच्छा सा मौका मिल चुका था। ओके बच्चों, पॉइंट नंबर फाइव देखिए यहाँ पर, नाउ पॉइंट नंबर फाइव बोलता है कि प्रथम युद्ध में ब्रिटिश सरकार को फांसा देकर जब भारतीय नेताओं ने स्वदेशी पर अधिक बल देना शुरू कर दिया तो उद्योगपतियों के लिए सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। यहाँ पर क्या होता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो विदेशी सरकार क्या हो गया, जो विदेशी सरकार थी वो भारतीय नेताओं पर विदेश सामान पर बल देना, जितना भी स्वदेशी था कि हम सबको क्या स्वदेशी सामान यूज करना है, ये जो था दौर था ये काफ़ी बहुत जोर चल रहा था यहाँ पर। तो वो दौर जो था उस दौर में क्या हो गया, भारतीय उद्योग था उसके लिए कैसा बात हो गया था, सोने पे सुहाने के मतलब सोने पे सुहागा, मतलब क्या चांदी पे ना, जैसे चांदी में ना क्या मतलब सोने पे सुहागा जो हो रहा है, प्रॉफिट पे प्रॉफिट होने वाली बात हो चुका था। ये यहाँ का जो यहाँ का कल कारखाना था भारतीय का, पुराना कल कारखाना था या फिर जो नया उद्योग जो बन रहा था पनप रहा था, सबके लिए क्या होता था, सब उद्योगों के लिए यहाँ पर सोने पे सुहागा वाली बात हो चुका था, मतलब प्रॉफिट पे प्रॉफिट होने वाली बात हो चुका था। और समय इसको काफ़ी मिल चुका था, कब, 1914 से लेकर 1918, ये काफ़ी समय पीरियड होता है, 1914 से लेकर 1918 का टाइम पीरियड था, फोर ईयर का, चार साल जो टाइम पीरियड था वो चार साल का टाइम पीरियड क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट था पनपने के लिए भारतीय उद्योग को और कुटीर उद्योग को पनपने का एक बहुत अच्छा सा सुनहरा अवसर मिल चुका था। तो ये था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको और जिसे मैंने बताया आप इसको पढ़िए और आराम से आपको इस क्वेश्चन पे आपको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है 2023 का बोर्ड एग्जाम में। सो थैंक यू।